हेलो फ्रेंड, हाय गाइस। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के बेसन, ब्रेड और बेसन के टोस्ट। इन्हें आप चाय के साथ भी बड़ी मजे से खा सकते हैं। बारिश के मौसम में अगर कुछ चटपटा खा लेगा तो मज़ा मन लगता है। आइए अब हम बेसन के ब्रेड टोस्ट बनाने जा रहे हैं। आप भी इन्हें खा के और बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसके लिए हमें बेसन लेना है। बेसन में सभी मसाले ऐड करने हैं। अब आपने जितने ब्रेड टोस्ट बनाने हैं उसी के हिसाब से आप बेसन लीजिए और फिर उसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला आदि सभी मसाले इसमें ऐड करने हैं। आप देख रहे हैं हमें भी इसमें सभी मसाले डाल दिए हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार जैसा आप खाना पसंद करते हैं उसी तरह से नमक मिर्च डालें और मसाले एक एक चम्मच डालें। अब इन सब मसालों को इसमें मिक्स कर दीजिए और आपके पास अगर आमचूर पाउडर है तो वो भी डाल दें। बड़ा ही स्वाद आएगा टोस्ट का। अब लीजिए, हमने अपना सभी मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब आप भी इसमें डालें और आप इस मसाले को अच्छी तरह से पेस्ट में मिला लें। फिर इसमें पानी को ऐड करें और अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छी तरह से घोलें ताकि इसमें कोई गांठ ना रह जाए। पहले थोड़ा सा पानी डालें, फिर उसे सारा मिलाएं, फिर थोड़ा सा पानी डालें जब तक यह अच्छी तरह से नहीं मिल जाए, पानी में भून जाए और हमारा पेस्ट बहुत अच्छा तैयार ना हो जाए। तब तक आप उसे चम्मच के साथ अच्छी तरह से हिलाते रहें, क्योंकि अगर इसमें कोई गांठ रह जाती है तो वह हमारे चीज़ का स्वाद बिगाड़ देती है। इसीलिए इसे अच्छी तरह से घूमते रहें। अब आप घोलने के बाद अब अपने जो ब्रेड हैं ले लीजिए। अब ब्रेड ले लीजिए, फिर इन्हें दो हिस्सों में काट लें। अगर आपका मन चाहे तो बाद में काट लें, क्योंकि ये ब्रेड टोस्ट बनाते समय बाद में भी काटे जा सकते हैं। हमने पहले ही काट लिए हैं। आइए अब इन्हें बेसन के उस घोल में डिप करें, सभी पीसेजों को काट कर रख लें और फिर एक पैन लें, उसमें कढ़ाई में तेल डालें और गैस को ऑन कर दें ताकि हो जाए। और उसमें एक मस्टर्ड ऑयल डालें। बहुत से लोग इसे दूसरे ऑयलों में तलते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल की बनी हुई चीज़ कूड़ा, टोस्ट आदि सभी चीज़ बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसलिए आप अपने खाने में मस्टर्ड ऑयल जरूर यूज़ करें। मस्टर्ड ऑयल से बनी हुई चीज़ें बहुत स्वाद लेकर देखें, खा कर देखें, ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होती हैं। अब आइए, हमारा तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने अपना तेल गर्म होने के लिए रख दिया, इसे धीरे धीरे गर्म हो। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा
तब आप इसे अपने ब्रेडों को बेसन के घोल में डिप करें ताकि हमारा टोस्ट अच्छा बने। एक एक स्लाइस को उठाएं और बेसन के घोल में डिप करें ताकि हमारा जो ब्रेड का पीस है उससे अच्छी तरह से बेसन लग जाए और वह अच्छी तरह से बने। बारिश के मौसम में अक्सर कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तला फुला गर्म गर्म खाने का मन करता है, तो आप इसे बारिश के मौसम में चाय के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब आप हमारा तेल गर्म हो चुका है, आइए हम इसे चेक कर रहे हैं हमारा तेल। आप अपने ब्रेडों को ब्रेड की स्लाइस को उठाएं और बेसन में डिप करें और कढ़ाई के अंदर छोड़ दें। ये देखिए हमने भी अपने ब्रेड बेसन में डिप करके कढ़ाई के अंदर छोड़ दें। अब दूसरा ब्रेड इसमें उसे भी छोड़ दें। अब इन्हें पकने दें। आप अब अपने गैस को इनको पलटने के बाद आप थोड़ा सा धीमा कर दें ताकि ये क्रिस्पी बने। देखिए हमने अपने गैस धीमी कर दी है और इन्हें बार बार पलटते रहें क्योंकि धीमी आँच पर हमेशा ये चीज़ बड़ी स्वादिष्ट बनती है। आपको यह बात कोई नहीं बताता कि धीमी आँच पर भोजन पकाने से बहुत ही अच्छा बनता है। और कुकर की जगह अगर हम अपने भोजन को पैन में पकाएंगे या कढ़ाई में पकाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा। आप एक बार ट्राई करें कि आप अपनी सब्जी और भी जो कुछ खाने की चीज़ बनाएं खुले बर्तन में बनाएं ताकि उससे हमारे शरीर में गैस की मात्रा बहुत कम हो, नहीं तो हमें एसिडिटी बनती रहती है जिससे हमारा पेट ज़्यादा खराब होता है। देखिए हमारे ब्रेड पकौड़े यानी कि ब्रेड टोस्ट सीकर तैयार हो चुके हैं। आइए अब हम इन्हें निकालेंगे क्योंकि ये क्रिस्पी हो चुके हैं, अच्छी तरह से पक चुके हैं। आप भी इसी तरह से पकाएं और क्रिस्पी करें ताकि खाते से बहुत ही स्वाद आए। अब इसी तरह से आप सभी ब्रेड पकौड़ों को डिप कर ब्रेड की साइज को वैसे में डिप करें और कढ़ाई में छोड़ें ताकि के बनाए हुए टोस्ट बहुत ही अच्छे बने। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपनी जो भी चीज़ हो बनाएं पहले अच्छी तरह से उसे फूल गैस पर गर्म करें, फिर उसे पकौड़े हों या टोस्ट हों उन्हें थोड़ा सिकने के बाद यानी कि एक साइड से सिकने के बाद गैस को मंदी कर दें यानी कि मीडियम कर दें ताकि चीज़ अच्छी तरह से पके, कच्ची न रहे। उनका कच्चापन अगर चीज़ कच्ची है खाने की तो उनका कच्चापन के कारण उनके स्वाद में कोई टेस्ट नहीं आता। इसीलिए आप अपनी चीज़ों को धीमी आँच पर पकाएं और अच्छे से पकाएं।
अब हमारे घर सीख चुके हैं। देखिए अब आप इन्हें हमें नहीं निकालेंगे। इसी तरह से आप चाय के साथ ब्रेड टोस्ट को खा सकते हैं। लीजिए हमारे ब्रेड पक चुके हैं। ये देखिए बहुत ही देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। खाने में बहुत क्रिस्पी स्पाइसी और स्वाद होंगे। अब हम इन्हें सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और आप चाहे तो आप 4 बजे वाली चाय के साथ इन्हें खा के इन्हें खाने का मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से बनाई हुई टोस्ट बेसन के टोस्ट स्वाद लगे आप इन्हें बनाकर और खा कर अवश्य देखें। अगर आपको ये बेसन के टोस्ट स्वाद लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरे इस चैनल को आगे बढ़ने का मौका मिले और मैं भी सभी मैं आप सभी को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल भी आगे बढ़ सके ग्रो कर सके और इसी तरह से मैं आपके लिए कोई ना कोई रेसिपी खाने की ज़रूर लेके आऊँगी। ज़रूर लेके आऊँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरीके से टोस्ट को ज़रूर बना के देखिए ताकि आप भी इसके खाने का आपको भी इसके खाने का स्वाद पता चले।